होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फर्जी मंत्री बनकर सिफारिशी कॉल करने वाले दो साथी अभियुक्तों को कोतवाली सदर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन व मार्गदर्शन में कोतवाली सदर पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी मंत्री व उनका पीआरओ बनकर सिफारिशी कॉल करने की घटना के दो साथी अभियुक्तों गौरव साख के पुत्र महेंद्र कुमार निवासी रेलवे कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद मथुरा, राजवीर सिंह पुत्र चरण सिंह निवासी तरौली थाना छाता जनपद मथुरा को पलिया बस स्टैंड लखीमपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में राजवीर सिंह बस चालक है तथा गौरव उसका सहायक कर्मचारी, दोनों सातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के CUG नंबर पर फर्जी मंत्री बनकर गौरी फंटा पलिया से मथुरा चलने वाली बसों के संबंध में सिफारिशी कॉल की गई थी, जिसके संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिला संवाददाता लक्ष्मीकांत गुप्ता, लखीमपुर खीरी। ये दो अभियुक्त एक गौरव शाक्य और राजवीर सिंह ये गिरफ्तार हुए हैं। घटनाक्रम इस प्रकार था, 23/11/2019 को एक नंबर से इन्होंने हमारे CUG नंबर पर फ़ोन किया और जो गौरव शाक्य है यह मंत्री जी का प्यारो बना, मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी का इन्होंने नाम लिया कि वो बात करेंगे, और जो राजवीर सिंह है यह फर्जी जो मंत्री बनके इसने बात की और कोई बसें जो मथुरा से पलिया तक चलती हैं उसके संबंध में ये कुछ बात बता रहे थे, जिस पर शक हुआ तो जानकारी की गई और मंत्री जी के यहाँ लैंडलाइन नंबर पर और CUG नंबर पर फ़ोन करके पता किया गया, तो जानकारी हुई वहाँ से कोई फ़ोन नहीं किया गया है। जब इस बात की पुष्टि हुई उसके बाद इन पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और ये दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए।